असेब ज़दा जगह, असेब ज़दा घर, उसकी अलामत क्या हैं और उससे यानी जिस जगह पर जिन्नात रहते हों उनको कैसे निकाला जाए, किस तरीके से उसको साफ़ किया जाए। देखिए, इसकी मुख्तलिफ अलामत हो सकती हैं, मुख्तलिफ कैफियात कैटेगरीज हो सकती हैं। जिन्नात जहाँ पर रहते हैं उनकी अलामत कैफियात और उनसे कैसे बचना है, किस तरीके से निकलना है। सबसे पहले याद रखिए कि जिन्नात ज़्यादातर जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाते, आपको मसाइल से पता चलता है कि कोई ना कोई इशू है। मसलन जब जिन्नात किसी घर में रहते हैं, वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात जो सही जिन्नात हैं उनको घरों में रहने से मना फरमाया है, लेकिन फिर भी अगर वो रहते हैं तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के बारे में खसूसी तौर पर बताया कि ये पढ़ोगे तो शयातीन भाग जाएंगे, ये पढ़ोगे तो शैतान घर में नहीं दाखिल होगा। उनको शयातीन कहा गया है जो घरों में इस तरह से आके दाखिल होते हैं, हमला करते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, अमूमन जो देखने में आया है और जिन जो हमें अहादीस को पढ़ने से भी पता चलता है, चीज़ों का चोरी होना शुरू हो जाती है। अब लोग कहते हैं जिन्होंने चोरी करके क्या करनी है, जिन चोरी करके क्या करेंगे, जबकि अहादीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस मौजूद है, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला की हदीस मौजूद है, जिससे वाज़ेह पता चलता है कि जिन्नात शयातीन खाने पीने वाली खासकर चीज़ें या गल्ला उसमें से चीज़ें चुरा रहे थे। क्या मकसद था अल्लाह जानता है, बस अवकात ज़्यादातर जो मैंने फील किया है उनका मकसद लड़ाई डालना होता है घर में, एक मकसद है लड़ाई डालना। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें से कोई चीज़ चुराएंगे तो लड़ाई तो डल गई, जब कोई चीज चुराएंगे तो लड़ाई तो डल गई, तो इस तरह के मामला ज्यादातर करते हैं। फिर इसी तरह से बीमारी घर में बहुत ज्यादा आ जाती है, आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, चीजों का हरकत करना शुरू हो जाता है, इस तरह के मामला अमूमन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जिन्नात और इस तरह के मामला होते हैं और इनको निकालने के लिए, इनको यानी खत्म करने के लिए कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बताई हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है अजान, अगर आप घर में अजान चलाते हैं या अजान देते हैं तो इससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में अजान दी जाती शयातीन भाग जाते हैं, इसीलिए अक्सर राकी हजरात अपने रुकिया में सबसे पहले अजान पढ़ते हैं। फिर इसके साथ साथ सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात हैं, आयतुल कुर्सी है और इसके साथ मुअव्वज़ातैन सूरह फलक नास हैं। ये सूरतें ऐसी हैं जो जिन्नात पर, जादू पर बहुत ज़्यादा भारी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में जिन्नात है तो ये पढ़ाई आप बुलंद आवाज़ से घर में चलाएँ या पढ़ें, इंशाल्लाह घर से जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत हैं, आखिरी तीन कुल हैं, ये सूरतें घर में चलाएं। इसके साथ सूरत रहमान है, सूरतुल बकरा है, इनकी तलावत रिकॉर्डिंग चला दें, बाकी सूरतें जो हैं वो साथ साथ मरतबा ऊँची आवाज़ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज सारे अपनी अपनी पढ़ लें। तो ये जो अमल है इससे बीमारी भी इंशाल्लाह कवर होगी, इससे लड़ाई झगड़े जो बन रहे वो भी कवर होंगे, और इससे अगर जादू जिन्नात का असर आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके मसाइल बना रहा है, बीमारी बना रहा है, कोई भी मसला बन रहा है, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जिन्नाती मसाइल में जो बनने वाली कैफियात है उनको ख़त्म करने के लिए हर बंदा अपनी पढ़ाई करेगा, हिफाजती पढ़ाई, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत, आखिरी तीन कुल साथ साथ मरतबा पढ़ें, और इसके साथ ये दुआ आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन ग़ज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शैतानि यादरून, ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो भी कोई शर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और मामला बेहतर होगा।